हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन फार्मूले के बारे में। पिछली एक्सरसाइज में, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि दो पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। एक रेक्टेंगल, अगर मान लो चार वर्टिसेस दे रखे हैं तो उसमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम क्या करें, तो हम उसमें सिंपल डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज़ किया है पूरी एक्सरसाइज में। अब इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूले का। सेक्शन फार्मूले में और डिस्टेंस फार्मूले में डिफरेंस क्या है? देखो, डिस्टेंस फार्मूले का मतलब है कि दो पॉइंट के बीच के हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सेक्शन फार्मूले में क्या है कि हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, इसमें बीच में कोई एक पॉइंट दे रखा है, उसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम उसमें उस क्वेश्चन में ये हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट इस पूरी लाइन को, बड़ी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम रेशियो भी बता सकते हैं, अगर हमें रेशियो गिवन है तो हम उसका, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं, पर डिस्टेंस फार्मूले में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो सिंपल दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला था हमारा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन के फार्मूले के बारे में। क्वेश्चन नंबर वन और टू मैंने लिख रखे हैं। इन क्वेश्चन करने से पहले आपको सेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए। देखो, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं और होता क्या है। सेक्शन फार्मूला, हाँ बेटा, देखो दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन वाई वन, बी के हैं एक्स टू वाई टू। इसमें कोई सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एम रेशियो एन में कट कर रहा है। ए और बी पॉइंट दे रखे थे, सी बीच में कहीं भी पॉइंट है, बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी हो सकता है। अब हमें रेशियो दे रखा है एम रेशियो एन, तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स एंड वाई। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो सेक्शन फार्मूला अप्लाई कैसे होगा। एक्स इक्वल टू, जब एक्स दूसरा वाई इक्वल टू, एक तो एक्स निकलेगा एक वाई निकलेगा, निकालोगे कैसे। एक चीज़ का ये ध्यान रखना, ये ऊपर क्रॉस में चलता है, उल्टा उल्टा चलता है। एम है तो वो दूसरी साइड, एन है तो ये फर्स्ट वाले साइड। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप एक्स फाइंड आउट कर रहे हो तो दोनों रेशियो की मल्टीप्लाई सिर्फ एक्स वाले से करनी है और बीच में साइन प्लस का। कैसे, एम की मल्टीप्लाई एक्स से, तो ये हो गया एम एक्स टू, प्लस एन की मल्टीप्लाई भी एक्स से क्योंकि एक्स निकाल रहे हैं, तो एन एक्स वन अपॉन में इन दोनों का सम, रेशियो का सम। दूसरा, अब वाई निकालो, जैसा आपने एक्स में किया था ऐसे ही आपने वाई में करना है। एम और एन की मल्टीप्लाई सिर्फ वाई वाले से करनी है, तो क्या लिखोगे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला। इसके बाद कई बार ये आ जाता है कि सी इज़ द मिड पॉइंट। कि अब मिड पॉइंट के लिए ज़रूरी नहीं इतना बड़ा फार्मूला आप लगाओ, मिड पॉइंट आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। मिड पॉइंट फार्मूला मैं लिख देता हूँ, अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, एक्स इक्वल टू, जो एक्स निकलेगा तो आप सीधा लिखोगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और दूसरा वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ये हमारा हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। अगर उसने दे रखा है कि सी इज द मिड पॉइंट, तो आपने सिंपल एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, तो आपका सीधे वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला। एक्स और वाई जब निकालोगे तो रेशियो की मल्टीप्लाई सिर्फ एक्स वाले से करना, वाई निकालोगे तो रेशियो की मल्टीप्लाई सिर्फ वाई से करना। अब क्वेश्चन वन मैं रीड कर रहा हूँ, आंसर वन, देखो क्या दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो टू रेशियो थ्री। अब हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, सबसे पहले दो पॉइंट, पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट हैं माइनस वन सेवन, बी के कोऑर्डिनेट है फोर थ्री। इसको जो तीसरा जो पॉइंट है सी, किस रेशियो में कट कर रहा है, टू रेशियो थ्री में कट कर रहा है, टू रेशियो थ्री में कट कर रहा है। अब हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बाय सेक्शन फार्मूला, अभी क्या करोगे आप,
एक्स इक्वल टू, फॉर्मूले मैंने बताया था ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस में। तो जब एक्स निकालोगे तो इस टू और थ्री की मल्टीप्लाई सिर्फ एक्स वाले से करना, तो टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फोर से, तो टू फोर जा एट। थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री अपॉन इन दोनों का सम टू प्लस थ्री, तो ये कितना आ गया, फाइव बाई फाइव, डेट इज़ वन। ऐसे ही हम वाई फाइंड आउट कर लेंगे, तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई वाई वाले से कर लोगे, तो टू की मल्टीप्लाई थ्री से तो कितना हो गया सिक्स, थ्री की मल्टीप्लाई सेवन से तो कितना हो गया ट्वेंटी वन अपॉन टू प्लस थ्री, ये आ गया हमारा ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव। तो x आ गया हमारा, y आ गया, तो जो हमारे c के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने आगे, वो हमारे आगे वन कोमा ट्वेंटी सेवन बाई फाइव, वन कोमा ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, ये इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोर कोमा माइनस वन एंड माइनस टू कोमा माइनस थ्री। अब ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है, देखो अब मैं ये क्वेश्चन नंबर टू के कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू देखो। ट्राई सेक्शन में आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, ए एक्स वन वाई वन, एक्स अच्छा ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं फोर कोमा माइनस वन, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माइनस टू कोमा माइनस थ्री। अब ट्राई सेक्शन का मतलब सी और डी, कोई दो पॉइंट है ट्राई सेक्शन। अब ये तीन पार्ट हो गए, एक दो और तीन, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वन वाई वन ले लिए और इसको मैंने एक्स टू वाई टू ले लिया। हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब सी का रेशियो क्या होगा, ये जो ये सी पॉइंट है इस लाइन ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो सब क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है, रेशियो हमें पता नहीं है। तो रेशियो देखो आप कैसे देखोगे, ट्राई सेक्शन, जो ट्राई सेक्शन के नाम से पता चल रहा है, ट्राई सेक्शन का मतलब है तीन इक्वल पार्ट, तो जो सी है एक पार्ट इधर है दो पार्ट इधर है, तो इसका क्या रेशियो हो जाएगा, वन रेशियो टू। ऐसे ही डी का रेशियो क्या हो जाएगा, डी दो पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, टू रेशियो वन। अब आपने सी के और डी के दोनों एक्स और वाई फाइंड आउट कर लोगे, तो देखो कैसे, बाय सेक्शन फार्मूला लगाया, एक पार्ट करा देता हूँ, देखो एक्स वन और यहाँ वाई वन, तो एक्स वन ये इधर ये इधर, तो जब x निकालोगे तो इन रेशियो की मल्टीप्लाई सिर्फ x से करना, तो 1 की माइनस टू से करोगे तो माइनस टू, और 2 की 4 से करोगे तो एस एट, और अपॉन में 1 प्लस टू दैट इज 6 अपॉन 3 कितना आ गया 2। ऐसे y निकालो, जब y निकालोगे तो रेशियो की मल्टीप्लाई सिर्फ y वाले से करना, तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस थ्री से तो माइनस थ्री हो गया, 2 की मल्टीप्लाई माइनस वन से तो माइनस टू अपॉन वन प्लस टू, तो ये कितना आ गया माइनस फाइव बाई थ्री। तो जो पहला जो सी का कोऑर्डिनेट है वो आ गया टू कोमा माइनस फाइव बाई थ्री। ऐसे हम डी पार्ट भी निकाल लेंगे, तो डी के लिए मैं यही कर रहा हूँ एक्स टू और वाई टू। बोलो भाई देखो क्या होगा, देखो एक्स टू, एक्स टू ये है, तो अब इसको हम देखेंगे इस रेशियो को, एक्स टू और वाई टू के लिए इस रेशियो का यूज़ करेंगे, एक्स वन वाई वन के लिए इस रेशियो का यूज़ करेंगे। अब इसको छोड़ो, अब इसका यूज़ करो, देखो x2 तो 2 की मल्टीप्लाई किससे, x वाले से करना है तो माइनस फोर, वन की मल्टीप्लाई 4 से अपॉन वन प्लस टू प्लस वन, तो ये कितना आ गया ज़ीरो अपॉन थ्री इक्वल टू ज़ीरो, एक्स टू आ गया ज़ीरो। ऐसे y2 निकालो, तो 2 की मल्टीप्लाई माइनस थ्री से माइनस सिक्स हो गया, वन की मल्टीप्लाई माइनस वन से अपॉन टू प्लस वन, तो y2 आ जाएगा माइनस सेवन अपॉन थ्री, तो जो कोऑर्डिनेट आ गया वो जीरो कोमा माइनस सेवन बाई थ्री, ये डी पॉइंट आ गया।
तो बेटा ये है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब रेशियो, अब इसमें इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि अगर हमें रेशियो दे रखा है तो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है या पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे है तो हम उसमें रेशियो कैसे निकालेंगे या कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो बेटा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।